अनुपमा ने किए शॉकिंग खुलासे, ऐसे खुलासे जिसे सुनने के बाद हर कोई एकदम शॉक्ड हो गया। इसी के साथ ही साथ अब मालती देवी जो प्लान कर रही है वो काफी ज्यादा डरावना है। मालती देवी टारगेट करने वाली है छोटी को। वेल, अनुपमा का अपकमिंग ट्रैक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, जहाँ पर अनुपमा जो है वो पहुँच चुकी है, यहाँ पर छोटी के पास पहुँच चुकी है। इसी के साथ साथ यहाँ सभी लोग जब पूछते हैं तो अनुपमा बहुत सारी बातें बताती है और बताती है कि आखिर उस दिन वो वापस क्यों लौट आई थी। और यहाँ पर वो मालती देवी को भी सारी बातें बताती है, क्योंकि मालती देवी बहुत गुस्से में आती है और यहाँ पर अनुपमा वो सारी बातें बताती है। अनुपमा एक के बाद एक बहुत सारे सीक्रेट खोलने वाली है। मालती देवी अनुपमा से पूछेगी कि उसके माँ होने की सज़ा वो क्यों भुगते। गुरु माँ कहेगी कि अनुपमा की वजह से उनकी सालों की तपस्या पर पानी फिर गया है और अब लोग उनके नाम पर काफ़ी ज़्यादा थू-थू करने वाले हैं। इस जवाब में अनुपमा सबके सामने एक से बढ़कर एक राज बताती नजर आएगी। सबसे पहले वो गुरु माँ को बताएगी कि माया की मौत की वजह वो खुद है। वो पूरा किस्सा सुनाएगी कि माया की उस दिन मौत कैसे हुई थी। वो बताएगी कि माया ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। साथ ही वो ये भी बताएगी कि माया भी उसके वापस आने की बड़ी वजह है। इसी के साथ साथ अनुपमा का बड़ा खुलासा वो बताएगी कि जब प्लेन टेक ऑफ करने वाला था तभी उसे माया अपने बगल वाली सीट पर नजर आई थी। माया की आत्मा ने अनुपमा से कहा कि छोटी को उसकी ज़रूरत है। माया की आत्मा ने अनुपमा को ये भी बताया कि वहाँ सब है, लेकिन एक बच्ची को सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसकी माँ की होती है और उसको माँ से बेहतर और कोई संभाल नहीं सकता। माया की बातों से अनुपमा कन्विंस हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। और फ्लाइट जब रनवे पर होती है तो वहाँ पर वो किसी तरह से तमाशा खड़ा करके बाहर निकल जाती है। सब अनुपमा को संभालने की कोशिश करते हैं और फिर यहाँ पर जो है अनुपमा को प्लेन से उतरना पड़ता है और फिर ये सारी बातें बताती नजर आती है। ये सब बातें सुनकर सभी बेहद शॉक्ड हो जाते हैं। तो वहीं पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता है मालती देवी पर। मालती देवी का जो पारा है वो काफ़ी हाई होता है और वो कहती है कि उसे अपनी ममता पर जो है वो बहुत ज़्यादा घमंड है। साथ ही साथ वो ये बोलती है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी ममता है, अब मैं उसे ही सबसे बड़ी कमजोरी बनाऊंगी। यानी कि साफ है कि छोटी को ही वो टारगेट करने वाली है। इसी के साथ साथ आप देखने वाले हैं बा और वनराज दोनों को अपनी टेंशन हो जाएगी। यहाँ पर ये लोग टेंशन करते नजर आएंगे कि अनुपमा ने चाहे अच्छा किया हो चाहे बुरा, लेकिन मालती देवी तो बुरा ही करेगी। इसी के साथ साथ वनराज यहाँ पर बोलता है कि वो तो बुरा करेगी और इसका असर जो है वो हम सब पर आने वाला है। और इसी के साथ साथ अनुज जो है एक शपथ लेता है और कहता है कि ये बात मैं पक्के तौर पर कह रहा हूँ कि मालती देवी जो है वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, अनुपमा का बाल बांका भी नहीं कर पाएगी। तो आने वाली कहानी जो है अनुपमा की काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक पर आएगी, जहाँ पर अनुपमा एक बार फिर से काफ़ी परेशान होने वाली है, लेकिन अनुज जो है वो ज़बरदस्त पिलर की तरह अनुपमा का साथ देता नजर आने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। TVN बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्म बीच सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज को फॉलो करें।